आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ बॉयज प्रिंसिपल सर आ चुके हैं और सभी लोग फूलों की माला पहनाकर शिक्षक गण का स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, चलिए वेलकम कर रहे हैं सभी को। और इसी के साथ सभी सर आ चुके हैं और देख सकते हैं मान समारोह शुरू होने वाला है। देख सकते हैं सभी का किस तरह से अभिवादन किया जा रहा है। और यहाँ पे कवि सर है, कवि भी है और ट्रेनिंग इनका लेक्चर भी है। चलिए देखिए सभी शिक्षकगण लोग आगमन हो चुके हैं और अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और एक सर का भी कमी है। देख सकते हैं सभी लोग। और ये अनीता मैम, गीता मैम, चलिए सभी गण आ चुके हैं। सर का शुक्रिया निवेदन करते हुए सर आ चुके हैं, देख सकते हैं सभी शिक्षकगण आ चुके हैं और अब समारोह स्टार्ट शुरू होने जा रहा है। और इसी के साथ फर्स्ट में रिबन काट कर शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ वॉयस प्रिंसिपल सर संजय सर, संजय तिवारी सर, चलिए स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी के साथ रिबन कट चुका। चलिए सभी लोग तालियों से स्वागत करते हुए। और अब दीप समारोह होगा। किसी भी कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले समारोह होता है, वही कार्य यहाँ पे प्रज्वलित होने जा रहा है। और वाइस प्रिंसिपल सर देख सकते हैं आप लोग, वाइस प्रिंसिपल सर संजय तिवारी सर और दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं सभी शिक्षकगण इस पावन पर्व 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। और देखिए सभी शिक्षकगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। शिवनाथ सर, जियाउद्दीन सर, राजीव नयन सर, संजय सर, सभी सर लोग, सभी लेक्चरल सर लोग हैं। और ये सभी शिक्षक को ट्रेनिंग देते हैं। जितने नया बहाल शिक्षा मित्र बीपीएससी वाले सभी लोगों को सभी सर लोग मिलकर ट्रेनिंग देते हैं। और इसी के साथ वंदना स्टार्ट होने जा रहा है। पावन हृदय सबका कर दो माँ सरस्वती से हम लोग यही उपेक्षा करते हैं। वंदन हो माँ सरस्वती का मन में निर्मल
भाव भरे, हर कंठ में वास हो रसना का, अभिव्यक्ति की यशो गान करे। अब केक के काटने का कार्यक्रम शुरू होगा और सर लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि वो केक सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका कहना था कि एक के दिमाग में तथ्यों को जबरदस्ती भरे, बल्कि वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार रखे। पढ़ा पे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम स्वागत कार्यक्रम अब शुरू होगा यहाँ पे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के विचारों और आदर्शों को याद रखते हुए आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारी छात्रा प्रतिनिधि रुचि को। कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, सिंपल लाइफ जीना प्रिंसिपल शरद जैन सर हमें समझाते हैं। लेके तस्वीरें इंसानों की सही गलत का भेद हमें वाइस प्रिंसिपल संजय सर बतलाते हैं। लेडी से आयरन लेडी बनना, गौर फरमाइएगा, लेडी से आयरन लेडी बनना यहाँ की एकेडमिक है डॉक्टर प्रतिभा मैम समझाती हैं। है भविष्य देश का जिनमें, है भविष्य देश का जिनमें, उन सब का भविष्य हमारे कंठ सर बनाते हैं। कोशिश करते रहना हर पल जीवन का अर्थ हमें नूर सर बतलाते हैं। है रंग कई इस जीवन में कलर की रंग की दुनिया से पहचान हमारी अनीता मैम करवाती हैं। परिप्रेक्ष्य में सोचना तथा स्वयं को समझना और हमको हमसे ही राजीव नयन सर मिलवाते हैं। देते हैं नेक मंजिल भी हमें राह भी बेहतर हमें उमा शंकर सर दिखलाते हैं। होना जाए भीड़ में कहीं हम दुनिया की भीड़ में संभल कर रहना संजय सर बेतिया वाले सिखलाते हैं। देते हैं ज्ञान जीवन का जीवन से हमें फखरुद्दीन सर रूबरू करवाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा स्माइल करना अनिल सर बतलाते हैं। हमारे फोकस को बनाए रखने हेतु मेडिटेशन जैसे एक्टिविटीज दिनेश सर खूब करवाते हैं। मोटिवेट नहीं इंस्पायर हमें धर्मेंद्र सर कराते हैं। हमेशा शांत स्वभाव रखना हमें विवेक सर समझाते हैं। जिंदगी के चाल को बनाए रखना हमें शिवनाथ का फास्ट रहना, सुपर कंप्यूटर जैसा फास्ट रहना हमें नयीम सर सिखलाते हैं। कार्य ये सारे सभी बड़े बखूबी से निभाते हैं ये हमारे डाइट के लेक्चरर्स कहलाते हैं। क्योंकि इसमें से अभी हम बहुत लोगों को नहीं जानते, नहीं पता, इसलिए उसकी मंच पर उपस्थित गरिमा मंडित विद्वान समस्त व्याख्याता महोदय, भावी भविष्य के कर्णधार समस्त प्रशिक्षु, जैसा कि विदित है हम लोग शिक्षक दिवस के इस अवसर पर उपलब्ध यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। शिक्षक दिवस वर्षों से मनाया जाता रहा है और आप लोग जानते भी हैं
ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के संबंध में, या उन्होंने कहा था कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, वो ठीक है। अगर हम देखें तो लोग विदिन अपने अंदर झांकें, जैसे कि हम शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं या हम शिक्षक हैं, हम सारे लोग मास्टर ट्रेनर या टीचर एडुकेटर के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रोल कमिटमेंट या हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। एक लाइन है कि टीचर कैसे होना चाहिए या कैसे हो तो ज़्यादा ठीक है, वो शायद हनुमान चालीसा की लाइन है। अब आप बोलोगे शायद आप लगा रहे हो, ठीक है, वो लाइन है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, आगे राज काज करिबे को आतुर। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, राज काज। तो ये जो लाइन है वहां से हमको ये आज का जो शिक्षक दिवस है उसके संबंध में भी शिक्षा देती है। हमारा टीचर कैसा होना चाहिए, विद्यावान होना चाहिए, उसके अंदर विद्या होनी चाहिए, यानी कि वो जो है उसको ज्ञान होना चाहिए, विद ज्ञानार्थ है, उसको ज्ञान होना चाहिए, यानी ज्ञानवान होना चाहिए। दूसरा गुणी होना चाहिए, जो गुण है पॉजिटिव, ठीक है ना। और क्या, चातुर, तो चतुर तो सब लोग हैं ही, होना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे करें, कोई समस्या है तो चिंतन करें और उस पर विभिन्न दिशाओं में सोच करके उसका समाधान प्रस्तुत करें। अगली जो लाइन है उसमें थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, क्या है, वहां पे था राम काज करवे को आतुर, तो ये चूंकि यहाँ पर हम धर्म निरपेक्ष हैं, ये संस्थान में है, हम शैक्षिक संस्थान है, मैं ये कहता हूँ कि शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है, धर्म तो होता है और जाति अगर नहीं होती लेकिन होती है तो क्या वो एक शिक्षक है, ये उसकी जाति है। धर्म क्या होता है, तो धारित इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो धारण क्या करना है कि हमको प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो कक्षा में पीछे क्यों ना बैठा हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे उसकी नाक बह रही हो या बहुत वो साफ सफाई किया हो, हमको साथ में सबको लेकर के चलना है, ये ऐसा होना चाहिए। और जो यहाँ पे राज काज शब्द है, हम चूंकि एक शिक्षक हैं या बनने की ओर अग्रसर हैं, और ये शुभकामना है कि आप लोग बनेंगे भी बहुत जल्द, 4-5 महीनों में, क्योंकि वो समय आएगा। तो जो राजकाज किया है वो हमारा शिक्षण है, हमारा प्रशिक्षण है ना, वो करने के लिए हमें उत्सुकता होनी चाहिए, हमारे अंदर ये होना चाहिए कि आज हमने बच्चे को कुछ दिया कि नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो हमको बेचैनी होनी चाहिए कि हमने क्लास नहीं लिया। हम 7 घंटा अगर विद्यालय में दें और उसमें से अगर 1-2 घंटा अगर हम बच्चे को पढ़ा दें और थोड़ा अगर समझ में, अभी मैं कुछ रिलेटिव हैं जो विभिन्न स्कूलों में हुए हैं, और एक ऐसा विद्यालय है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर जानते हैं 3,500 संख्या है, 3,500 प्लस टू स्कूल है, 9, 10, 11, 12 मिला के 3,500 संख्या है और 35 टीचर है, 35 पहले नहीं थे, TRE 1 और TRE 2 मिला के 35। और जानते हैं क्या ये लोग पढ़ाते हैं, हाँ कुछ हद तक सुधरा है, लेकिन अभी भी मैं सुनता हूँ कहते हुए मिलते हैं कि अगर कुछ बच्चे, मान लीजिए 40-50% बच्चे ऐसे होते हैं जो बदमाश होते हैं, वो जो बातचीत करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैम उनको ध्यान ना दीजिए, मैम पढ़ाइए ना, नहीं तो पूरा समय ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये टीचर के अंदर होना चाहिए कि वो जो बच्चा कह रहा है कुछ ऐसा करें कि वैसे सारे बच्चे बोलें, ठीक है ना, और सारे बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हो, वो कौन करेगा, टीचर करेगा, और कब, जब आपका रोल कमिटमेंट अच्छा होगा, ठीक है ना। आप राज काज यानी शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य कह सकते हैं, करने के लिए जब आप में आतुरता होगी तभी आ पाएगा। इंस्पायरेशन लेवल कौन बढ़ाएगा, टीचर बढ़ाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये कार्यक्रम आप लोगों ने सुबह डिसाइड किया था, किसी कारण से आप लोगों को कुछ बताने और मेरी वजह से ये ऐसा हुआ कि आप लोग बिना खाए अभी तक हैं, शायद नाश्ता वास्ता किए होंगे कि नहीं, और आप लोगों को चेहरे से दिख रहा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।
और क्योंकि हम भी राजकाज में ही थे, ठीक है ना, हमारी मजबूरी थी वहां जाना, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद जी, अमित जी, प्रिंस जी और रंजीत कुमार, वो आए और सर को सम्मानित, जो भी अपने द्वारा जो गिफ्ट लाए गए हैं सर को उपहार स्वरूप भेंट करें। कोई पिक्चर ले लीजिए, कोई फोटो ले लीजिए, आगे से आकर, आगे से, आगे से आकर, अच्छा से, और ताली थोड़ा जोरदार तरीके से दीजिए। धन्यवाद सर। 85 हमारे उपप्रचारी तथा ये थी व्याख्यातागण और में गदगद हमारे प्रशिक्षु, ये दिखा रहा है कि हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं और शिक्षक दिवस में मनाने के क्रम में हम प्रफुल्लित हैं, हम अनुकरण कर रहे हैं, हम अनुसरण करने की दिशा में हैं कि 257 ही सही, कम से कम साहसी तो हैं कि 57 यहाँ उपस्थित हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में कि आज तो मैसेज हमारे पास बहुत आया है, उस सभी मैसेज में बहुत सारे था, उस दिवस का ये होता है कि उससे हम प्रेरणा लें और प्रेरित होकर उसका अनुसरण करें। अनुसरण करने का मतलब ये है कि हम जो वो किए हैं उस करने की दिशा में थोड़ा थोड़ा करके हम कदम बढ़ाएं। कदम बढ़ाने के क्रम में हम तो ये आपसे यही रखते हैं, आशा रखते हैं कि उस महान पदचिन्ह तक जाने के लिए यही शुरुआत हमारा काफ़ी होगा कि DL.ED का जो हमारा करिकुलम है वो 40 क्रेडिट का है और एक क्रेडिट बराबर होता है 20 घंटे, तो इस तरह से 800 घंटा हमारा बनता है। उस 800 घंटा में 1066 क्लास होगा, 1066 क्लास में 80% आपको उपस्थित रहना है। उसकी संख्या हम समझते हैं कि 900 से 1000 के बीच में, 800 से 900 के बीच में होना चाहिए। तो 800 से 900 कक्षा आप कर लें, यही हमारा, हमको लगता है कि इसी से आप सही रूप से श्रद्धांजलि होगी उस महान आत्मा के प्रति कि जो महान शिक्षक थे। तो मैं अपने तरफ से यही कहना चाहता हूं कि आज 57 ही सही, दूसरे दिन ये 57 दिखना चाहिए और लगातार दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए एक ताली पूरा होना चाहिए। फोटो को खींचिए ना, मैं कमाल फोटो का लगी दे, फोटो ये फोटो जाके वहीं पर लगी जाइए, कोई अच्छा गुरुस के महत्व के बारे में, क्योंकि काफी उत्सुक है लोग सुनने के लिए। पंखवा हटवाना हो क्या लगा इस संस्थान के प्रभारी प्राचार्य महोदय, समस्त हमारे सहकर्मी व्याख्यातागण, परिचारीगण, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और विभिन्न संस्था से हमारे यहाँ जो रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं वे सभी, और हमारे समक्ष उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस समारोह में ये हम सबको आपने एक जगह बिठाया है और सबका महिमा मंडन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गुरु की महत्ता को जानते हैं। हम सब भी जो यहाँ हैं वो सब अपने अपने गुरु से कुछ न कुछ सीख कर यहाँ पहुँचे। सवेरे से ही जो हमारे जीवित शिक्षक लोग हैं उनसे उनको फोन कर करके मैं स्वयं उनका आशीर्वाद मैंने आज लिया है, और ये एक परंपरा हमारे देश की है वो चलती चली आ रही है। जिनके नाम पर यह दिवस है शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको यह जानकर हो सकता है थोड़ा विस्मय हो, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा करके उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी।
अत्यंत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके फोटोग्राफ से और उनके पहनावे ओढ़ावे से आपको यह नहीं लगेगा कि बचपन में बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ होगा। और वहाँ चूँकि ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की एक शिक्षा के रूप में, आगे चल करके हुए प्रोफेसर हुए, कई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हुए, कई यूनिवर्सिटी के वे चांसलर भी रहे। उस समय में सोवियत संघ था, सोवियत संघ में भारत के राजनयिक रहे, फिर भारत के उपराष्ट्रपति बने, फिर उन्होंने राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाई और इतने सारे पदों पर रहते हुए भी वे शिक्षक बने रहे। इसलिए उन्होंने चाहा कि मेरा जन्मदिवस जो है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, इसलिए हम लोग मनाते हैं। शिक्षक रहते हुए एक विचारक थे, दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा भी थे। आपको एक और नई बात बताता हूं कि जब 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराने वाले थे तो उन्होंने ऐसे वक्ता को चुनने का निर्णय लिया जो ठीक उनसे पहले भाषण देते और ठीक 12 बजे रात्रि होने से पहले ही अपना भाषण समाप्त करते, तब जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते और भाषण देते। और उन्होंने उस कार्य के लिए जिस वक्ता का चयन किया, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्हीं का भाषण हुआ, उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण हुआ। आप सोच सकते हैं कि उनके विषय में क्या धारणा उनके मन में रही होगी। वे गैर राजनीतिक व्यक्ति थे लेकिन फिर भी उनको उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया गया और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। वे गुलजारीलाल नंदा के समय में भी राष्ट्रपति थे, लाल बहादुर शास्त्री के समय भी, और फिर उसके बाद गुलजारीलाल नंदा हुए उस समय भी थे। उन्होंने जो जीवन में अध्ययन किया तो जहां के वे निवासी थे, तमिलनाडु के निवासी थे, तेलुगु परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो वहां उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन लोग जो आ रहे हैं, ईसाई लोग, वो हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसके संबंध में, उसके पाखंडों पर, उसके दोषों पर वे आरोप करते हैं और कोई ढंग का जवाब नहीं रहता है इधर से। तो उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया वैदिक शास्त्रों का, अन्य शास्त्रों का भी, और उसके बाद वे पश्चिम के यूनिवर्सिटीज में गए और वहाँ पर जाने के उपरांत उनकी उनके भाषणों की एक श्रृंखला होती थी जो हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ कर करके उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वो सब समेकित है वहाँ पर। जब आप उनको पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे भी, तो आपको लगेगा कि कितने ज्ञान का क्या कौन सा अथाह सागर इनके भीतर बह रहा था, उसको मापना बड़ा मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्याख्या बहुत सरल करते थे। ज्ञान का भंडार विशाल था परंतु समझाने का तरीका बहुत सरल था और एक शिक्षक में यही होना चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जगन्नाथ ठाकुर करके पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स के एक लेक्चरर हुआ करते थे, प्रोफेसर हुए, प्रिंसिपल हुए, फिर उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। ये 1996-97 ईस्वी की बात मैं कह रहा हूँ। बिहार शिक्षा परियोजना की किताबें 3रा, 4था और 5वां वर्ग के लिए किताबें तैयार हो रही थी और लेखक के समूह में मैं भी था और वो एक्सपर्ट बनकर के वहाँ पर आए थे। तो उनका नाम तो पेपर में पढ़ते थे, कभी ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता था तो उनका स्टेटमेंट सब आता था और उनसे साक्षात्कार हुआ। मैंने देखा कि अत्यंत सरल व्यक्तित्व।